अशोक लीलैंड गल्फ ऑयल लिमिटेड इंडसइंड बैंक हिंदुजा टैक हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस जैसे न जाने कितने ही कारोबार के मालिक हिंदुजा फैमिली चर्चाओं में है। दरअसल भारतीय मूल के अरबपति और ब्रिटेन की सबसे अमीर हिंदुजा फैमिली के 4 सदस्यों को स्विट्जरलैंड की कोर्ट ने जेल की सजा दी है। बिजनेसमैन प्रकाश हिंदुजा और उनकी पत्नी कमल हिंदुजा को 4.5 साल की सजा मिली है तो वहीं उनके बेटे अजय और बहू नम्रता को 4 साल की सजा मिली। हिंदुजा परिवार पर अपने नौकरों की तस्करी और शोषण का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने हिंदुजा परिवार को घरेलू नौकरों के शोषण का दोषी पाया। हिंदुजा फैमिली ब्रिटेन से अपना कारोबार चलाती है। ये फैमिली दुनिया के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में शामिल है। फोर्ब्स के अनुसार 2023 में हिंदुजा परिवार की कुल संपत्ति $20 बिलियन थी। हिंदुजा ब्रिटेन में सबसे धनी फैमिली है। हिंदुजा फैमिली के गोपी हिंदुजा ब्रिटेन के सबसे रईस शख्स हैं। वो दुनिया के टॉप 200 अमीर लोगों की सूची में शामिल हैं। परमानंद दीपचंद हिंदुजा जो कि हिंदुजा समूह के संस्थापक थे और उनकी पत्नी जमुना परमानंद हिंदुजा। परमानंद दीपचंद हिंदुजा के 4 बेटे हुए श्रीचंद पी हिंदुजा गोपीचंद पी हिंदुजा प्रकाश पी हिंदुजा अशोक पी हिंदुजा। श्रीचंद पी हिंदुजा की 2 बेटियां शानू और विनु हिंदुजा। गोपीचंद पी हिंदुजा जिनके 2 बेटे संजय और धीरज और 1 बेटी रीटा। प्रकाश पी हिंदुजा जिनके 2 बेटे अजय रामकृष्ण और 1 बेटी रेणुका हिंदुजा। अशोक पी हिंदुजा की बात करें तो इनके 1 बेटा शोम हिंदुजा और 2 बेटियां सत्या और अंबिका हिंदुजा। हिंदुजा ग्रुप का कारोबार टेलीकॉम ऑयल एंड गैस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी ऑटो हेल्थ केयर आदि सेक्टर्स में है। हिंदुजा ग्रुप का कारोबार करीब 50 देशों में फैला है और इसमें 1.5 लाख से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। भारत में इस ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियां हैं। हिंदुजा ग्रुप की नींव परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने 1914 में मुंबई में रखी थी। उनके 4 बेटे हुए और इन्हीं 4 बेटों का परिवार हिंदुजा ग्रुप को मैनेज करता है। पारिवारिक बिजनेस को फिलहाल 4 हिंदुजा भाइयों द्वारा मैनेज किया जाता है, श्रीचंद हिंदुजा गोपीचंद हिंदुजा प्रकाश और अशोक हिंदुजा। श्रीचंद गोपीचंद और प्रकाश हिंदुजा का नाम बोफोर्स घोटाले में भी सामने आया था। इस घोटाले में स्वीडिश कंपनी बोफोर्स पर यह आरोप लगाया गया कि उसने 1986 में भारत सरकार को $1.3 अरब की रिश्वत दी थी। इसमें तीनों भाइयों ने मदद की थी। तीनों भाइयों पर CBI ने अक्टूबर 2000 में ये आरोप लगाए थे मगर साल 2005 में दिल्ली की कोर्ट ने सबूत के अभाव में उन पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया।